बाड़मेर जिले के गिराप थाना क्षेत्र के आसाड़ी में कुछ दिन पूर्व हुए कोजाराम मेघवाल हत्याकांड के बाद चार दिन चले धरने में मृतक के परिजनों एवं दलित समाज के नेताओं की मांग पर गिराप थानाधिकारी निम सिंह के निलंबन एवं डिप्टी पुष्पेंद्र सिंह आढ़ा के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करने एवं मामले में अन्य निर्दोष लोगों के नाम शामिल करने के विरोध में सर्व समाज द्वारा महापड़ाव का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट के आगे बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर सहित कई जिलों एवं इलाकों से हजारों लोग महापड़ाव में शामिल हुए। सर्व समाज ने दोनों पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही को वापस लेकर एवं 14 अन्य लोगों को मामले में झूठा फंसाने पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बाड़मेर असाड़ी प्रकरण को लेकर सर्व समाज की ओर से जिला मुख्यालय पर महापड़ाव का आह्वान किया गया। इस महापड़ाव में बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर सहित आसपास के इलाकों से हजारों लोग शामिल हुए। इस महापड़ाव में SC ST एक्ट का दुरुपयोग एवं हत्या ऐसे मामलों में लोगों को गुमराह करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही पिछले दिनों बाड़मेर में हुए कोजाराम मेघवाल हत्याकांड को लेकर दलित समाज द्वारा गिराप थानाधिकारी को निलंबित करने, DYSP SC ST सेल को APO करने एवं हत्या के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। इस महापड़ाव में शामिल होने आए राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एवं महिपाल सिंह मकराणा को जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते रास्ते में ही रोक दिया गया। हालांकि महापड़ाव समाप्त होते होते राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराणा सर्व समाज निकाले जा रहे शांति मार्च में शामिल हुए, जिसके बाद उनके समर्थकों द्वारा जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रकट किया एवं जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की ओर से चार सूत्रीय मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा गया। सातों कौम 3600 कौम की तरफ से आज यहां सामूहिक धरना रखा गया, जिसमें हम लोगों ने भी आह्वान किया, क्योंकि पूरे समाज की तरफ से अगर कोई कॉल करता है तो किसी पर्टिकुलर नेता और कोई पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी होता है, और आम नागरिक के हिसाब से, एक जागरूक नागरिक के हिसाब से हम लोगों ने हिस्सा लेने की कोशिश की। पिछले 5 घंटे से हमको 11:15 बजे से रिको इंडस्ट्रियल धरना है बाड़मेर का, वहाँ मेन रोड पे मुझे वहाँ रोक लिया गया मेरी गाड़ियों के साथ। अभी मैं वहाँ गाड़ियों जब्त होने के बाद मैं पैदल वहाँ से आया हूँ और ये सभा में सम्मिलित हुआ हूँ केवल इसी मंशा से, क्योंकि हमें रोका गया तो यहाँ डिप्टी साहब ने मुझे बताया, जिनसे मेरी बात हुई आला अधिकारियों से, कि ऊपर से SP ऑफिस से इनपुट है कि आप लोग उपद्रव फैलाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर हमने कहीं पे भी उपद्रव फैलाया पिछले 16 सालों में तो आप हमें उसका वो तथ्य पेश कीजिए, और इस तरीके की ये भ्रामक भ्रांतियां मत फैलाइए। हम लोग समाज के वो आम नागरिक हैं जो जागरूक है, किसी भी परिवार के साथ अगर कोई भी गलत होता है तो उस घटना का विरोध करने हम लोग आए थे। एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, मैं बोल रहा हूँ अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी कभी बचना नहीं चाहिए, एक सभ्य समाज में किसी भी अपराध के लिए जगह नहीं है। पर अपराधी 1-2-3 अपराधियों के कारण से अगर पूरी परिवार को अगर सजा दी जाए वो कहीं से उचित नहीं है। अपराधी बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। अगर एक निर्दोष को बचाने के लिए एक अपराधी बच भी जाए तो भी अपन ये अपनी अदालत बोलती है कि उसको हो सकता है एक अपराधी को छोड़ दे। जैसे कि हमने अभी कलेक्टर साहब को वो पूरा ज्ञापन दिया है, उन्होंने बोला ज्यादातर मांगों पे हमारी वो सहमति बन गई है। अगर ये जिन मांगों को हम लोग 3 मांगे लेकर गए थे उनमें से एक APO नहीं किया गया SP डिप्टी साहब को, और एक निलंबन वो रद्द कर रहे हैं पिछले 5 दिन के अंदर अंदर, और वो जो 15 जो और जो जो अपराधी नहीं है, निर्दोष लोग हैं, उनको पकड़ा गया, उनको ये लोग बोल रहे हैं हम वो कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये होता है तो जयपुर की धरती पर राजपूत करने से ना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकड़ा जयपुर की धरती को घेरेंगे। बाकायदा ये चेतावनी है राज्य सरकार को और प्रशासन को, अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो हम लोग इसके खिलाफ है। एक नेता के कारण से सौहार्द खराब हो रहा है पूरी जातियों का। एक नेता जो 1100 मुकदमे दर्ज करवाता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 1100 मुकदमे दर्ज है केवल एक नेता के बहकाव पे, उसमें 960 मुकदमे केवल राजपूत समाज पर है। ये किस तरीके का टारगेट करके कर रहे हो आप लोग, और जो भी कर रहे हैं उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो, कि ये केवल केवल जो सरकार से एक अनुदान मिलता है उस राशि के लिए, उस राशि के बाद जो आपस में जो बंटवारा होता है। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, यदि उनकी मांगों का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो कर्णी सेना आगामी दिनों में जयपुर में प्रदर्शन करेगी। जैसलमेर के पिछले चोर से लेकर बाकासर के उस चोर तक सभी लोग आए इसमें। अभी वर्तमान में एक ट्रेंड चल गया है SC ST एक्ट के दुरुपयोग का, उसकी आड़ में कुछ लोगों ने अपना धंधा बना दिया है, तो उस के विरोध में सभी लोगों का एक आक्रोश था।
कि इस तरह से आए दिन एस सी एस टी के झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जो एक्चुअल पीड़ित है उनको तो न्याय मिलता नहीं है, ये दूसरे लोग आकर के इसमें अपनी बेवजह ये पंचायतियाँ शुरू कर देते हैं, उनको लेकर के ये था। प्रशासन तो ये रहा कि 302 में पुलिस और प्रशासन ने ये आश्वस्त किया कि किसी भी तरह से निर्दोष को नहीं फंसाएंगे, दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, दोषी गिरफ्तार है, और भी कोई दोषी होगा तो वो उन्होंने आश्वस्त किया कि सही है तो ही अरेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। साड़ी में जो एक प्रकरण हुआ और जो एक हत्या हो गई, उस हत्या में जैसा पुलिस मान रही थी, प्रशासन मान रहा था, सब जगह से हत्या जैसा कांड हो जाता है तो लोगों को मालूम चल जाता है किन लोगों ने की। तो पहले दिन से ही हम लोग इस लाइन पे थे कि जिन जिन ने ये अपराध कारित किया है वो जेल जाने चाहिए, जो भी कानून उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून में जो सजा बनती वो होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति होगी आजकल कि जो है 302 जैसे मुकदमे में भी झूठे लोगों के नाम दिलाना। तो पहला मसला तो ये था कि भाई 302 की जो FIR है उसके अंदर जो लोग मुलजिम नहीं है, 15 से 20 लोग जो वहाँ मौके पर ही नहीं थे, उनके नाम देना पहला मसला। दूसरा, इस पूरे मैटर में कुछ अधिकारी जिनका कोई डायरेक्ट रोल ही नहीं था, न जिनके पास जांच थी और न जिन्होंने कोई नेग्लिजेंसी की, उसके बावजूद जो है उन अधिकारियों को हटा दिया गया, उसको लेकर के जनता में भारी आक्रोश था कि भाई इस तरह से जिन लोगों का कोई दोष नहीं है, न तो जो लोग हत्या करने में शामिल रहे और न जो पुलिस अधिकारी जो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे, उसके बावजूद जो है उनको इनाम ये मिला कि वो सस्पेंड हो गए, किसी केवल कोई एक विशेष जाति से आते हैं इसलिए उनको सजा दे दी गई, या मान लो स्ट्रीट में चार जनों ने खड़े होकर कह दिया कि गलत है और उनको गलत मान लिया गया। तो इन मांगों को लेकर के ये दो मुख्य मांगें थी कि कोई गलत आदमी इसमें फंसे नहीं, जो दोषी है उनको पूरी सजा मिले, इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, और जो पुलिस अधिकारी जिनका कोई रोल नहीं था उसके बावजूद उनको जो सस्पेंशन झेलना पड़े, तो इन दो मसलों को लेकर हमारा ये पड़ाव था। धर्म है कहे कि हम पे कभी लाश वादे राजनीति नहीं करा, ओ हुआ ना सूपो हुआ ना करण दियो, अरे साहब हुआ गुटे करण और बीजो कोई काम भी तो कोनी है, सिर्फ लाश रे अलावा, लाश रे वादे राजनीति रे अलावा कोई बीजो काम भी तो कोनी है। कर मारो मेघवाल समाज जो सात पीढ़ी हम अपना भेड़ो रहे अगर गर्त भी ना ले जाऊं रो कोई काम करे था तो उमरा चुनिंदा उच्चा नेता इस करे था और सत्ती से कौन भी ना तोड़ने रो अगर कोई। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ महापड़ाव शाम 5 बजे तक चला। इस महापड़ाव में 10 से 15 हजार के करीब लोगों के शामिल हुए। इस महापड़ाव में जैसलमेर से पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, सुनीता भाटी, सुजान सिंह हाडा, विक्रम सिंह तेजमालता, शिव से पूर्व विधायक हरि सिंह सोडा, रतन सिंह बाखासर, JNVU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविन्द्र सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह बिहार